तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शान ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। उसी के साथ में आपको मैं थोड़ा सा थंबनेल बता दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अभी कुछ इस हिसाब से शॉर्ट वीडियो अपना मैं पोस्ट करता था, और अभी कुछ दिनों जो है मैं मार्केट में डिटेल लॉन्ग वीडियो पोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इन डिटेल समझ में आए। उसी के साथ में अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो उस चीज का जो लिंक है मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हूँ, वहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मार्केट से रिलेटेड वहां पर अपडेट डालते रहता हूँ। उसी के साथ में हम बिना देरी करें जल्दी से 15 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ आज बैंक निफ्टी का अपने में इस एरिया का फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देखे तो प्राइस जो अपने में कंटिन्यू अपने में 3-4 कैंडल में अपने में अच्छा खासा शार्पली अपसाइड मोमेंटम करा, और कहना कि जो मार्केट के प्रीमियम थे वो भी अपने में अच्छे खासे स्पाइक कर रहे थे। लोगों को अच्छा खासा अपने अपने सी साइड अच्छे खासे टारगेट भी देखने को मिला है। मेरी भी इस पोजिशन में एक एंट्री थी, मुझे भी अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला है। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ अभी 51,800 जो है अपने में एक बार बैंक निफ्टी अपने में इस एरिया के यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद प्राइस जो अपने में एक हायर रेंज के यहाँ पर अपने में वेट कर रहा था, और लास्ट 15 मिनट में कहना कि एक अच्छा खासा अपने को ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ लास्ट 15 मिनट में एक अच्छा खासा शार्पली अपने को अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है, और अभी बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर रेंज के आसपास एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी आ रहा था। मार्केट मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन के आसपास अपने में रिस्पेक्ट कर रहा था, रिस्पेक्ट करके जो मार्केट का जो प्राइस है अपने में कुछ कंटिन्यू अपने में अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 15 मिनट में भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से एक मार्केट में अपने को अच्छा खासा अपसाइड बाउंस देखने को मिला है। तो हम थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ज से हम 1 डे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी जो हम प्रीवियस टाइम पे हम डिस्कशन कर रहे थे, अगर जो प्राइस है अगर वन डेली टाइम फ्रेम में जो प्राइस है अपने में कंटिन्यूशन में लोअर बोले तो एक हाई की तरफ से प्राइस कंटिन्यू सेलिंग की तरफ आया, एक पुल बैक करा, अगर प्राइस अपने में इस एरिया के आसपास से अगेन अपने में लो करता था तो प्राइस हम लो बोले निगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करने वाले थे, और कहना कि हम एक लोअर लो फॉर्मेशन के बेसिस पे हम ट्रेड भी एग्जीक्यूट करने वाले थे। बट यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ कल निफ्टी बैंक निफ्टी का अपने में एक अच्छा खासा पॉज कैंडल के बाद आज बैंक निफ्टी में एक मंडे के दिन एक अच्छा खासा अपने को ग्रीन पॉजिटिव कैंडल दिखने को मिल रहा है, जो कि अपने में एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपने को मार्केट में एक अच्छा खासा बॉटम पे कुछ एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस अपने अपने अगेन इस हाई के ऊपर निकलता है 51,800-9,000 के ऊपर निकलता है तो आने वाले टाइम में अपने को 25,500 तक अच्छे खासा बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में हमको टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो हम थोड़ा सा 15 मिनट में चले जाएंगे। हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए का प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि मार्केट में एक अच्छा खासा लोअर रेंज के आसपास एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में जो एक लोअर रेंज के आसपास एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, और अपने अपना 51,800 कहने के अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया भी है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ एक अच्छा खासा डब्लू बॉटम पर डब्लू पैटर्न के साथ प्राइस ऊपर गया, और अपने में कई एक चैनल के अंदर एक बुलिश पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ एक बुलिश पैटर्न बना रहा है, और कहना कि आज बैंक निफ्टी का लास्ट 15 मिनट का जो कैंडल अपने में एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग भी हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में एक अच्छा खासा लास्ट 15 मिनट का एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है। कहना की मार्केट में जो क्लोजिंग है कहना की बोले तो हाई के आसपास करा, डे हाई के आसपास किया है, तो उसी हिसाब से इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का अपने में इस एरिया के पास अगर गलती से भी फ्लैट ओपन होता है 51,800 से लेके 51,900 इस एरिया के बीच में अगर फ्लैट ओपन होता है तो अपने को एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम थोड़ा वेट करेंगे, अगर प्राइस 51,880 के ऊपर अगर 5-10 मिनट सस्टेन करता है तो उसके बाद हम एक सी साइड प्लान करके 52,000 जो ये एरिया है कहना कि अपना में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्गली साइकोलॉजिकल एरिया है। ये हम फर्स्ट टारगेट हमारा 51,000 तक हम मिनिमम 52,000 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। अगर प्राइस 52,000 के ऊपर निकल है तो आने वाले टाइम में अपने को बैंक निफ्टी में 52,400 और 52,600 तक हम मिनिमम सी साइड प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर कल बैंक निफ्टी का जो है 52,000 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया होने की वजह से अगर कल बैंक निफ्टी का 52,000 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो उसके लिए हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर प्राइस अपने में स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आता है और अगेन इस एरिया के आसपास 51,880 से लेके 52,000 इस एरिया के बीच में अगर अपने में रिटेस्ट करके प्राइस अगेन अपने में पुल बैक में ऊपर निकलता है तो उसके लिए हम एक सी साइड प्लान करके जो हमारा मिनिमम टारगेट है हम बड़ा लॉन्ग मिनिमम टारगेट बड़ा रख सकते हैं। और आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में हमारा जो अगर गैप अप ओपन होता है प्राइस रिटेस्ट करके पुल बैक में ऊपर अगर निकलता है तो उसके लिए हम सी साइड प्लान करके 52,400 और सेकंड टारगेट 52,600 आने वाले टाइम में हमको अच्छे खासा बैंक निफ्टी में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो परसों होने वाला है। तो कहना कि अभी अपना में एक दिन का वेट है, तो आने वाले टाइम में एक्सपायरी तक अगर आप कॉल को बाय करके होल्ड कर सकते हो तो आने वाले टाइम में अपने को बैंक निफ्टी में 52,600 से लेके 52,800 तक अपने को बैंक निफ्टी में अच्छा खासा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। पी साइड व्हाट इफ
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी जो मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन है, अगर प्राइस का फ्लैट ओपन होता है, प्राइस अपने में स्लो एंड स्टेडी ट्रेंड लाइन के नीचे आता है और प्राइस 51,800 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करके 51,600 का मिनिमम प्लान करेंगे। बस हमारा एक ही पी सेट प्लान करेंगे जब प्राइस अपने में 51,800 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तभी, और एक ही स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करेंगे 51,600। और अभी मैं थोड़ा सा बाइंग के लिए ज्यादा प्रीफर करूंगा, अगर प्राइस अपने में 52,000 के ऊपर निकलता है तो मैं आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में अपने को ओवर बोले तो अच्छे खासे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी साइज भी बढ़ा के ट्रेड कर सकता हूँ, या फिर अगर बैंक निफ्टी जब तक अपने में 51,200 इस एरिया से लेके 51,000 अच्छा साइकोलॉजिकल एरिया है, जब तक एक मार्केट 51,200 इस एरिया के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक मैं एग्रेसिवली पी से प्लान नहीं करूंगा। उसी के साथ में हम थोड़ा सा अभी बैंक निफ्टी फिफ्टी के बारे में देख लेंगे, तो निफ्टी फिफ्टी में भी अपने आप में एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, बट गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी जो अपने में स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, इस एरिया के आसपास गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी एक बार रिटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आया, उसके बाद में अगेन निफ्टी अपने में रिवर्स हुआ, कुछ हायर है फॉर्मेशन बना के 51,150 के आसपास अपने में हाई लगाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी निफ्टी में अपने को अच्छा सा लोअर डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी जो है अपने में इस एरिया के आसपास फ्लैट ओपन होकर निफ्टी अपने 51,150 के ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले टाइम में निफ्टी में अपने 25,200 और 25,250 तक हमको अच्छे खासे बाइंग अपॉर्चुनिटी साइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं, या फिर अगर प्राइस का अपने में इस एरिया का फ्लैट ओपन होता है और निफ्टी और 50 अपने स्लो एंड स्टेडी 25,150 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, अगर निफ्टी 25,100 सस्टेन करता है तो हम एक पी सेट प्लान करके 25,050 और एक साइकोलॉजिकल लेवल तक निफ्टी में 25,000 का मिनिमम पी सेट प्लान करेंगे, थोड़ा छोटे छोटे ट्रेड ही प्लान करेंगे क्योंकि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला आने वाले कुछ टाइम में, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोअर रेंज यहाँ पर निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप भी पेंडिंग है, अगर निफ्टी 50 के नीचे आता है तो इस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी एक बार 25,950 तक भी एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो हम थोड़ा निफ्टी 50 में अगर निफ्टी का कल डायरेक्टली 25,250 इस एरिया के पास गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, अगर प्राइस अपने में गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस कंटिन्यू आता है तो हम एक 5-10 रुपए का एसएल डाल के छोटा एसएल डाल के हम पी सेट प्लान करेंगे और मिनिमम टारगेट 25,150 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे, और गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस अपने में कंटिन्यू आता है 25,150 के आसपास अपने में रिटेस्ट करके पुल बैक में निकलता है 25,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस टाइम में हम एक सी सेट प्लान करके टारगेट मिनिमम 25,450 तक का मिनिमम सी सेट प्लान करेंगे। अगर उसी के साथ में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, थैंक यू सो मच।